हम तुमकुरु रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा अभी खाली हो गया। तो दोस्तों हमारे अरसिकेरे पैसेंजर ट्रेन तुमकुरु स्टेशन में सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर अभी 5 मिनट हो गया, अभी डिपार्चर नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं। देखो स्टेशन में अभी सभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्लेटफॉर्म ठीक से अभी नहीं बनाए, बीच में सिर्फ थोड़ा दूर पे प्लेटफॉर्म से बारिश के टाइम पे बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ अभी वहाँ पर गोल गुंबस एक्सप्रेस अभी अराइवल हो रहा है और इसका WAP-7 के साथ अभी इसका डिपार्चर का बाद में हमारा ट्रेन का डिपार्चर होगा। तो अभी पूरा जनरल क्लास का डब्बा खाली हो चुका है। अभी बगल में गोल गुंबस एक्सप्रेस ट्रेन आई है, वो उसका डिपार्चर होने के 5 मिनट बाद इसका डिपार्चर होगा तुमकुर स्टेशन से। आई थिंक ये ऑन टाइम है, वो गोल गुंबस एक्सप्रेस थोड़ा लेट निकली है KSR बेंगलोर से, इसलिए पहले उसको निकालेंगे। अभी अब बाहर देख सकते हो KSR बेंगलोर से लगभग 6 बजे से बारिश शुरू हुआ है। KSR बेंगलोर से लेकर तुमकुर तक 60 किलोमीटर से, इस 60 किलोमीटर में बारिश थोड़ा भी 1 मिनट के लिए भी कहाँ पर भी रुका नहीं है, लगातार बारिश हो रहा है। अभी मानसून का शुरुआत हो चुका है। अभी मैं साउथ में हूँ, नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद मैं नॉर्थ साइड जा रहा हूँ। वहाँ पर तो बारिश का बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ पर कैसा रहता है करके मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। और उधर का सभी नज़ारा एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशली मैं उस तरफ जा रहा हूँ। अभी बेंगलोर से लेकर तुमकुर 60 किलोमीटर के अंदर में ये चौथी चाहिए, बहुत ही चाहिए। बस बताया बेकार तिप्टूरु। तो दोस्तों मैं तुमकुरु रेलवे स्टेशन के बाद में सो गया था, कुछ अंधेरे में कुछ दिखाने जैसे भी नहीं है, इसलिए तुमकुरु के स्टेशन के बाद सभी छोटा मोटा स्टेशन ही आता है, इसलिए थोड़ा 1 घंटे का नैप ले लिया। अभी उठाओ, अभी अरसिकेरे थोड़ा 1-15 मिनट में अरसिकेरे आने वाली है।
साथम डॉट ऑन टाइम 10:40 में अरसिकेरे जंक्शन पहुंच रहे हैं। तो ये उतना यहाँ पर उतना ज़्यादा क्या प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी मेन ट्रेस का आल्ट यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों, KSR बेंगलोर से अरसिकेरे तक चलने वाले इस पैसेंजर ट्रेन का जर्नी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ट्रेन का रेट्स चिकमंगलूरू एक्सप्रेस और मैसूरु और शिवमोग्गा टाउन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपसे मेरे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक बाय। अभी 2 घंटे में मेरा अगली ट्रेन है, उस ट्रेन के बारे में मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक गुड नाइट एंड गुड बाय।